ये इसीलिए हमारे जीवन में और हमेशा प्रसन्नता, अब ये बहुत कम आती है, ये हाँ ये कम आती है, अपने आप बहुत कम आती हाँ। कभी कभी आती है। और हमारा लक्ष्य ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा हमें प्रसन्नता का भाव हमारे हमेशा रहे। प्रसन्नता में जब हम नाम का स्मरण करते हैं तो बहुत प्रभावशाली होता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ध्यान वगैरह जैसे खो रहे हैं और मैक्सिमम ध्यान में एक कांस्टेंट लेवल पे भी चल रहे हैं तो भी नीरसता आ जाती है। आ जाती है, बिल्कुल आती है। समाज में क्या, संसार में ये सब चीजें जो बेकार है, ये बेकार हमेशा आपके चारों तरफ खड़े, जैसे ये चीजें बहुत सुंदर बहुत ही, वैसे ये बेकार भी अपने साथ खड़े हैं जी, है ना। क्योंकि मन ने अभी तक क्या है, इन सब चीजों में ही जिया, हमने कई जन्म ये सब अप्रसन्नता में। अब जो आज 25 तारीख है ना जी, तो इन लोगों का मुख है दुख है। भाई क्रिश्चियन का मुख है दुख है, दुख है पूरे संसार में। अच्छा, पूरा दुख है। तो यही दुख हम जी के आए हैं, है ना। अब अपना जो भारतीय उसमें सनातन में दुख का कहीं कोई स्थान है नहीं, है ही नहीं। दुख अगर है भी तो हम उसको नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए हमारे पास साधन है, ऋषियों ने हमें साधन दिए, अब उन पे हम चलते नहीं, इसीलिए दुख है। और दुख आए किसीलिए, दुख आए क्योंकि कहीं से कुछ जो भी हो गया उसके कारण दुख आए। अब दुख के समन का भी हमारे पास तरीके है। तो जैसे ये सब चीजें कम होती चली, ये भाव है जो पासी पातंजलि ने सब भाव का वर्णन किया, एक प्रकार के भाव चित्त की वृत्तियां हैं। ये वृत्तियां अनावश्यक हमें दुखों की तरफ ले जाती हैं, अनावश्यक ले जाती हैं, खींच लेगी, खींच लेती। तो जैसे ही ये दुखों की तरफ ले जाए तो हमें अपना प्रसन्नता का, और जब ज्यादा प्रसन्नता होगी तो फिर मन उधर जाएगा, जाएगा नहीं उधर, हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए अपना ये भी आवश्यक हो गया, है ना।